बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर्स, क्या हाल है आपका? आई होप ठीक ठाक होंगे आप सब। और व्यूवर्स, गर्मी भी बहुत पड़ रही है और स्पेशली बकरीद के बाद से बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे शहर में और मुझे लगता है पूरे मुल्क में ऐसा ही मौसम है। तो व्यूवर्स, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पीच जूस की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। बहुत एनर्जेटिक है और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। और चलें व्यूवर्स, मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूँ आपको। ये मैंने 3 पीच लिए हैं, बड़े साइज़ के थे ये। उनका मैंने ये छिलका उतार कर उनको कट कर लिया, पीसेस कर लिए उनके। और वन लेमन का मैंने जूस निकाला है और जूस लिया है, तकरीबन ये 2 टेबलस्पून होगा लेमन जूस। और ये शुगर मैंने लिया तकरीबन 6 टेबलस्पून शुगर लिया मैंने। और ये मैंने आइस क्यूब्स लिए हैं। और तो चलिए व्यूवर्स, अब मैं प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ इसको जूस मेकिंग का। तो चलिए, क्योंकि व्यूवर्स गोश्त तो एक तरफ है, बकराईद पे हम गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें चाहिए कि हम स्मूदीज, ड्रिंक्स और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें ताकि वो सब बैलेंस हो जाए जो हमने खाया है। क्योंकि हाईली अमाउंट में यूज़ किया जाता है बकराईद पे गोश्त, तो इसलिए मैं आपके लिए ये पीच का एक जूस, फ्रेश जूस, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मैंने पीच ऐड किए हैं और ये तमाम शुगर मैं ऐड कर रही हूँ, लेमन जूस, और ये आइस भी तकरीबन मैं सारी इसमें डाल दी क्योंकि बहुत शुगर और आइस को ग्राइंड करके जो वो अच्छा सा एक क्रंची जूस रेडी होगा। जी तो व्यूवर्स, ग्राइंड हो चुका है अभी से ग्लास। जी तो व्यूवर्स, हमारा ये पीच जूस रेडी है जो बहुत ज़बरदस्त एनर्जी ड्रिंक कह लें आप, बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी बना है। और व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे। और ये शुगर और आइस का जो कम्बिनेशन ग्राइंडिंग के वक्त है, तो वो इसको एक क्रंची फ्लेवर देता है, यानी आइस एंड शुगर ग्राइंड होकर बहुत ज़बरदस्त फ्लेवरिंग आती है पीच के साथ। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्रिंक पसंद आए।